Hey guys, welcome to my channel Work Biology Out. I hope you guys are safe and doing really great. I am Jessica और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही सिंपल तरीका फ्लोरल फॉर्मूलाज याद करने का. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. Now without further ado, let's get started. अब NCERT में चार फैमिलीज के फ्लोरल फॉर्मूलाज दिए हुए हैं, तो सबसे पहले तो हम इन फैमिलीज को एक ऑर्डर में लिख देंगे. आप इन्हें इसी ऑर्डर में याद रखिएगा. सबसे पहले फाबेसी, देन सोलनेसी, देन लिलिएसी और लास्ट में ब्रासिकेसी. और इसको याद करने के लिए आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, फैब सोला लिब्रा, फैब सोला लिब्रा. अब एक फ्लोरल फॉर्मूला में KCAG मेंशन होता है जो एक फ्लावर में आउटर से इनर की तरफ बढ़ता है. के इज़ फॉर कैलिक्स, सी इज़ फॉर कोरोला, ए इज़ फॉर एंड्रीशियम and G is for gynecium. Okay. तो K, C, A और G ये चारों चीज़ें हम एक फॉर्मूला में मेंशन करते हैं. अब ये चारों फैमिली बायसेक्सुअल हैं, विच मीन्स कि इनमें एंड्रीशियम और गाइनीशियम दोनों प्रेजेंट होगा. तो मैं बहुत सेफली यहाँ चारों के सामने G और A मेंशन कर सकती हूँ. Alright. अब हम G के आगे नंबर ऑफ ओवरीज मेंशन करेंगे जो इनके ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही हैं, 1, 2 और 3. पर ये जो लास्ट वाला है उसमें सब कुछ 2 और 4 में ही रहता है, विच वील सी लेटर ऑल्सो. तो अभी यहाँ पे मैं 2 लिख रही हूँ और सारी ओवरीज इन चारों फैमिलीज में फ्यूज्ड हैं इसलिए हम ब्रैकेट्स बना देंगे. और चारों ही ओवरीज सुपीरियर हैं इसलिए हम G को अंडरलाइन करेंगे. अब एंड्रीशियम के लिए हम लोग लास्ट वाले से स्टार्ट करते हैं. अब A का नंबर लिखने के लिए हम G के नंबर में फैमिली का सीरियल नंबर ऐड कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 2+4. ऐसे ही लिलिएसी के लिए 3+3 यहाँ पे हम लिख देंगे. अब बचा के और सी. तो मैंने आपको बताया था कि ब्रासिकेसी में सब कुछ 2 और 4 में रहता है इसलिए हम सी के आगे 4 लगा देंगे और के आगे 2+2 विच इज़ 4. ओके. लिलिएसी फैमिली में कोरोला और कैलिक्स फ्यूज रहता है. इस फ्यूज्ड कैलिक्स और कोरोला को हम पेरियंथ बोलते हैं जिसको हम पी से डिनोट करते हैं. और लिलिएसी में सब कुछ 3 है तो यहाँ पे हम 3+3 कर देंगे और क्योंकि ये फ्यूज्ड है इसलिए यहाँ पे हम ब्रैकेट बना देंगे. आप देखिए लिलिएसी का पी ए और जी और उसका ऑर्डर सब कुछ 3s में है. ऑलराइट. अब कमिंग टू सोलनेसी, तो इसका के सी और ए थोड़ा सा डिफरेंट है. तो इसको याद करने के लिए आप इस लाइन को याद रखिए, 5-5-5 फ्यूज्ड फ्यूज्ड. तो यहाँ पे मैं लिख दूँगी 5-5-5 फ्यूज्ड फ्यूज्ड. ओके. अब कमिंग टू द लास्ट फैमिली विच इज़ फाबेसी, तो इसका के सी और ए भी थोड़ा सा डिफरेंट है. तो इसके के लिए मैं बिल्कुल नीचे वाले से कॉपी कर दूँगी, 5 और फ्यूज्ड. अब इसके ए के लिए हम इसके नीचे वाले एज को देखेंगे, 5, 3, 2. अब इनको ऐड करने पे 5+3+2 वी गेट 10. लेकिन इसका ये जो 1 है ये इम्पॉर्टेंट है इसलिए हम इसको अलग से लिख देंगे 1 और 10-1 वी गेट 9. अब हम इसको 9 को लिख देंगे और ब्रैकेट बना देंगे. ओके. अब ऐसे ही सी के लिए, सी में जो भी नंबर्स होंगे उनका टोटल 5 होगा. तो इस 5 के लिए हम पहले 1 अलग से लिखेंगे और बचा हमारे पास 2+2 और इस लास्ट वाले 2 के आगे हम ब्रैकेट लगा देंगे. अब आते हैं सिमेट्री पे. तो सिर्फ फाबेसी है जो बायलेटरल सिमेट्री शो करता है विच इज़ जाइगोमॉर्फिक और बाकी तीनों फैमिलीज एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं. इसलिए हम फर्स्ट वाले में परसेंटेज का साइन शो कर देंगे और बाकी सारे में एडिशन का. अब इस परसेंटेज के साइन को आप फाबेसी के 1 से भी याद रख सकते हैं. ओके. अब इन चारों फैमिलीज में सिर्फ लिलिएसी है जो ब्रैकेट है इसलिए हम इसके आगे भी आर लिख देंगे. जब कोई फ्लावर किसी लीफ के साथ अटैच होता है तो उसको हम ब्रैक्ट बोलते हैं, जैसे आप इस डायग्राम में देखिए. अब लास्टली हम एडिशन शो करेंगे लिलिएसी में पी और ए के बीच और सोलनेसी में सी और ए के बीच. सो दैट वॉज इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइज. आई होप यू गाइज लाइक इट एंड इफ यू डिड देन प्लीज गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन स्टे सेफ एंड टेक केयर. बाय बाय.